नमस्कार दोस्तों, मैं मुलिंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑल एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिंक एक्टिव हो चुका है सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, आपको इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सभी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट 5 चॉइस यहाँ पर इनको दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपने ट्रेड के अनुसार आपको यहाँ पर चॉइस दी जाएंगी, तो आपको वहाँ पर अपनी चॉइस भरनी है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 चॉइस जो है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आप सभी को दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट अभी इस ट्रेड के खाली हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल के। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये चॉइस इन्हें भरनी होंगी, या तो NSTI जोधपुर भी खाली है, NSTI कानपुर खाली है, लुधियाना भी खाली है, और NSTI मुंबई में भी इनकी सीट जो है वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, और भी यहाँ पर रोहतक आईटॉट भी दिया गया है गवर्नमेंट हरियाणा, NSTI वी हैदराबाद, NSTI चेन्नई, NSTI हावड़ा। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है NSTI के अभी खाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर चॉइस करने के बाद आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपका जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो भी जारी कर दिया गया है। न्यू शेड्यूल आया है काउंसलिंग का, वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे न्यू शेड्यूल काउंसलिंग का जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप सभी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के लिंक में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे 24 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 24 और 25 को आपको 5:30 बजे तक, 24-25 दिसंबर में आपको यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेना है। 5:30 बजे तक अपना कॉलेज चुन लेना है, उसके बाद फीस पेमेंट भी करना है। जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है वो फीस पेमेंट भी करेंगे। उसके बाद 26 से लेकर के आपके 29 तक की आपको यहाँ पर 26, 27, 28, 29 4 दिन यहाँ पर आपको दिए हैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए। तो आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद 30 को यहाँ पर ट्रांसफर प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू की जाएगी, और 31 में आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। यानी आप सभी देख पा रहे होंगे 26, 24, 25 में आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है, और 26 में आपको कॉलेज भी अलाउट कर दिए जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर वाले जो हैं वो आपको 31 में होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आपको ट्रांसफर करना करवाना है फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिलती है तब। तो ये सारा शेड्यूल नया जारी कर दिया गया है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर थर्ड वाले भी देख सकते हैं। आपको मॉपअप राउंड के भी, आपको मॉपअप राउंड जो है वह 9, 10, 11 में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।